अवैध खनन मामले में आर्किटेक्ट विनोद सिंह से आज ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने 6 जनवरी को समन जारी करते हुए विनोद सिंह को आज ईडी के जोनल ऑफिस में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था। वहीं झारखंड कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने ईडी को पत्र लिखकर यह जानकारी मांगी है कि राज्य सरकार के अफसरों को किस आधार पर पूछताछ के लिए ईडी समन कर रही है। बता दें कि कैबिनेट ने यह फैसला लिया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामने अधिकारी सीधे पेश नहीं होंगे। ईडी की छापेमारी में विनोद सिंह के रातू रोड आवास से 25 लाख रुपए कैश और निवेश से संबंधित कुछ कागजात मिले थे। और इतना ही नहीं, ईडी के अधिकारियों ने विनोद कुमार सिंह के रोस्पा टावर स्थित कार्यालय को भी सील किया था। अवैध खनन मामले में आर्किटेक्ट विनोद सिंह से ईडी आज पूछताछ करेगी। दूसरी ओर ईडी ने पत्थर कारोबारी खुदानिया बंधु समेत 30 लोगों को एक साथ पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी ने बीते 3 जनवरी को साहिबगंज में छापेमारी के बाद विभिन्न बैंकों में मौजूद 30 खातों को फ्रीज करवाया था। अब इन सभी 30 खाता धारकों को ईडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। इनसे 17 जनवरी से पूछताछ शुरू होगी। फ्रीज खातों में जमा पैसों का प्रयोग फिलहाल नहीं किया जा सकता। खातों से जुड़े लोग अब ईडी के रडार पर हैं। इससे पहले ईडी ने बीते 11 जनवरी को साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था, हालांकि वो ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। ईडी ने 3 जनवरी को सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू, साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव, डीएसपी राजेंद्र दुबे समेत अन्य लोगों के घर छापेमारी की थी। और इसी दिन ईडी ने राजस्थान, बिहार और बंगाल में भी करीब 12 जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया था और इस दौरान 30 खातों को जांच एजेंसी ने फ्रीज कराया था। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन में साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव के कैंप कार्यालय से 7,25,000 कैश समेत कई कारतूस बरामद किए गए थे। और चलिए सहयोगी इमरान जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इमरान का रुख करते हैं। इमरान, देखिए, एक साथ 12 जगहों पर छापेमारी भी और उसके बाद रडार पर आए अभिषेक प्रसाद और पिंटू और जिस तरह से बातें हुई आर्किटेक्ट विनोद सिंह के घर से 25 लाख कैश मिले, रोस्पा टावर स्थित कार्यालय को भी सील किया गया और ये तमाम दस्तावेज जब जब्त किए गए उसके बाद देखिए 30 ऐसे अकाउंट मिले हैं जो बेनामी है। खाता धारक जो अब सामने आए हैं उनसे भी पूछताछ होगी, लेकिन आज बहुत अहम पूछताछ विनोद सिंह से पूछताछ होनी है। क्या विनोद सिंह पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे इस पर संशय है, क्योंकि ये कड़ी जोड़ने के लिए ये अहम साबित हो सकता है विनोद सिंह, क्योंकि रामनिवास यादव पहुंचे नहीं थे पिछले समन पर। देखिए बिल्कुल अर्थ, जिस तरह से 3 जनवरी को एक साथ 4 राज्यों के 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें जो प्रमुख नाम थे अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू जो कि राज्य के सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार हैं, इनके अलावा जो आर्किटेक्ट हैं विनोद कुमार सिंह, राजेंद्र दुबे और साहिबगंज के डीसी, इन तमाम ठिकानों पर जो छापेमारी की गई उसके बाद विनोद सिंह को समन दिया गया और विनोद को समन दे करके जो है आज की तारीख में बुलाया गया था। दिन के तकरीबन 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है जहां विनोद सिंह को ईडी कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है, ताकि पिछले दिनों जो रेड के गए थे उसमें नगद सहित कई चीज़ें जब्त किए गए थे, कार्यालय से कई हार्ड डिस्क और कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जो है ईडी ने जब्त किया था। इस पूरे मामले को लेकर के जो ईडी की टीम है वह लगातार जांच कर रही है, लेकिन ईडी के इस कार्यालय में आज से जितने लोगों को पिछले दिनों समन भेजा गया था उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो सरकारी पद में आसीन हैं, तो ऐसे में वो तो नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन विनोद सिंह को आज ईडी दफ्तर आना होगा, क्योंकि ईडी के द्वारा जो समन दिए गए थे उसमें साफ तौर से कहा गया है कि वो ईडी दफ्तर यहाँ पे पहुंचे और ईडी दफ्तर में पहुंच करके जो उनके यहाँ से पैसे बरामद किए गए, कई निवेश से जुड़े जो पेपर थे वो और इनके अलावा कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जो बरामद किए गए हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर के लगातार ईडी की जो टीम है वो पूछताछ करेगी। इसके साथ साथ इस पूरे 3 जनवरी के रेड के दौरान जो चीज़ें सामने आई थी कि कहीं ना कहीं कई ऐसे बेनामी अकाउंट धारक भी मिले थे जिनके जरिए
जो अवैध खनन के जो पैसे हैं उनको करोड़ रुपए जो है वो ट्रांसफर किया गया था। ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर के अब देखना होगा कि जब विनोद यहाँ आज पहुंचते हैं उनसे जब ईडी की टीम पूछताछ करेगी तो उनसे और किन किन बिंदुओं पर पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि अवैध खनन से जुड़े मामले में तो पूछताछ करनी ही है, साथ ही ये भी जो है अलग अलग बिंदुवार तरीके से कई सवाल जो है वो तैयार किए गए हैं ईडी की तरफ से, ताकि विनोद जब पहुंचेंगे तो उनसे पिछले दिनों ही कई दस्तावेजों के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। ये भी देखना होगा कि क्या वो अपने डॉक्यूमेंट के साथ पहुंचते हैं या फिर अगर नहीं पहुंचते हैं तो उसके बाद ईडी का अगला रुख क्या कुछ होगा। लेकिन जिस तरह से ईडी की टीम लगातार कोशिश करती है कि विनोद जो है वो उनसे लगातार पूछताछ की जा सके, लेकिन पूरे पूछताछ में जो है अब तक विनोद की तरफ से पक्ष जो है वो नहीं आ पाया है कि उनके के घर से जो पैसे बरामद किए गए थे या फिर जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं, जो चैट बरामद किए गए हैं, जो अन्य जो चीज़ें बरामद की गई हैं उसमें विनोद का रोल किस तरह का है। ऐसे में इस पूरे मामले में जब विनोद से पूछताछ की जाएगी तो अवैध खनन से जुड़े मामले के कई अन्य जानकारियाँ जो हैं वो ईडी के समक्ष खुल करके सामने आ पाएगा कि आखिर किस तरह से या पूरा खेल बिल्कुल चल रहा था। देखिए ये कहा जा रहा है कि विनोद सिंह की जो पहुंच है सत्ता के गलियारों में काफी ऊंची पहुंच है उसकी, खासकर सीएम के भी करीबी, सीएम का करीबी भी बताया जा रहा है ये। लेकिन अब जब इससे पूछताछ होगी और जब सवाल जवाब होंगे तो कई ऐसे चेहरे भी बेनकाब होंगे जो इस घोटाले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर शामिल है, जो 1250 रुपए का अवैध खनन, 1250 करोड़ का अवैध खनन हुआ है, क्योंकि लिस्ट ये लंबी होती जा रही है जैसे जैसे ये जांच बढ़ रही है। देखिए शुरुआती जांच में ये 1000 करोड़ का निकला, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो 1250 करोड़ का हो गया, और अब जब विनोद सिंह से पूछताछ होगी जिसकी पहुंच, और ये सिर्फ अवैध खनन यहीं पर नहीं साहिबगंज का बल्कि कोयला से भी जुड़े जो कोयला तस्करी है उससे भी बहुत सारी कड़ियां जुड़ेंगी, तो कई नाम अभी सामने आएंगे जब ये पूछताछ शुरू होगी। तो देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये विनोद से पूछताछ करने से ना सिर्फ साहेबगंज से जुड़े मामले सामने आ सकते हैं बल्कि धनबाद सहित अन्य जगहों के तार जो हैं वो भी इस पूरे मामले में जुड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ना सिर्फ अवैध खनन का ये पूरा मामला बनता है, क्योंकि कोयला के कारोबार में भी कई तरह की चीज़ें बातें सामने आ रही थी। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले पर जाँच चल रही है और जब विनोद से जब इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी तो और भी सारी चीज़ें जो हैं वो पुख्ता हो सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरह से ईडी की टीम ने पिछले दिनों जब चार राज्यों के 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी तो ना सिर्फ विनोद बल्कि ऐसे कई बड़े महकमे और ऐसे कई नाम जो आज तक पर्दे के पीछे थे सामने नहीं थे, लेकिन वह नाम सामने आया और उसके बाद पूरा मामला जो है एक सिंडिकेट की तरह जुड़ता चला गया कि आखिर कौन कौन से जो लोग हैं जो अवैध खनन से में जुड़े हुए हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो छोटे वर्ग से लेकर बड़े वर्गों तक अपनी पैठ रखता है, उन तमाम लोगों से भी ईडी की टीम के द्वारा जो है वह पूछताछ की जा रही है, की गई भी है। तो ऐसे में आज की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज विनोद कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है ईडी दफ्तर, वहीं कल अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू जो कि राज्य के सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो ऐसे में दो एक ऐसे व्यक्ति के नाम हैं जो राज्य सरकार में सीधे तौर पर जो है बेहद करीबी माने जाते हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि अभिषेक प्रसाद पिंटू कल उपस्थित होते हैं या नहीं होते हैं। उनसे पहले आज की तारीख में जो है कहीं ना कहीं विनोद कुमार सिंह पर या विनोद कुमार पर यह दबाव जरूर होगा कि अगर ईडी के समक्ष वो उपस्थित होते हैं तो उनको जो डॉक्यूमेंट्स के साथ बुलाए गए थे, जिन डॉक्यूमेंट्स के साथ उसे हाजिरी होने के लिए निर्देश दिया गया था, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आज वो यहाँ पहुंचते हैं या नहीं ये भी देखने वाली बात होगी। अगर बिल्कुल, और जब सवाल जवाब होंगे, जब सवाल होंगे ईडी के इमरान और जब जवाब मिलेंगे उसके, तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक तलाश रही है ईडी। तो इस मामले में यानी अवैध खनन मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद अब आज विनोद सिंह से पूछताछ के दौरान मिल पाए। इंतजार इस पूछताछ का, बने रहिए, अपडेट्स लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।